रखी है, किन इश्यूज को लेकर के रखी है और क्या आपकी बात है गठबंधन को लेकर? देखिए, जो महागठबंधन कहा जा रहा है ये, इसको मैं ठग बंधन कह रहा हूँ। मुस्लिम समाज अपने को इसमें ठगा महसूस कर रहा है। 7% यादव और 11% जाटों की मालकिन 18% की होकर के 38-38 सीटें लेके बैठे। 22% मुस्लिम समाज को दरी और चादर बिछाने के लिए छोड़ा गया है। मुस्लिम समाज पूरे तौर पे गुस्से में है, रोष पाया जाता है उनके बुद्धिजीवियों में, उनके उलमाए कराम, उनके तमाम लोगों में। जो लोग भी इसको इसका सहयोग कर रहे हैं गठबंधन का या मुबारकबाद दे रहे हैं, वो कौम के लीडर नहीं, डीलर हैं, और डीलरों की कौम में कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए हम ये चेतावनी के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुस्लिम समाज की संख्या के एतबार से मुस्लिम समाज की पार्टियों को हिस्सेदारी दी जाए, अदरवाइज नहीं तो पूरी 80 सीटों पर हम अपने समान विचारधाराओं को लेकर, जो हमसे हमारी विचारधारा से सहमत है, उनको लेकर के हम उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर हम लड़ेंगे। यूपी में क्या शिवपाल यादव भी एक ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, शिवपाल यादव जी अगर हमसे बात करेंगे, शिवपाल यादव जी मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो पार्टी बनाने के पहले वो हमसे बातचीत कई मरतबा उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की, हमने हमारी दोनों की मुलाकात होती थी, लेकिन पार्टी बनने के बाद से उनके दिमाग में ये बात वही है, क्योंकि वो समाजवादी से आए हुए हैं, कि मुस्लिम समाज के डीलर हमारे साथ आ गए। जैसा कि बाज़ जगह पोस्टर वगैरह भी लग रहा है, तो उन डीलरों से उनका काम नहीं चलेगा। अगर वो आते हैं, बात करते हैं, तो हम इस पे विचार करेंगे। यूपी के चुनाव में मुस्लिम पार्टी, उनसे कोई वैर नहीं है, क्या देखते हैं आप? क्योंकि जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो यहाँ पर वोट कटवा से ज्यादा उनकी कोई स्थिति नहीं रहती। नहीं, अगर आप ये बात गलत कर रहे हैं, अगर ये बात है तो आपने समाजवादी पार्टी जब राजस्थान में गई, मध्य प्रदेश में गई, महाराष्ट्र में जाती है, गुजरात में जाती है और मोदी जी को जिता देती है, तो वोट कटवा क्यों नहीं कहते? ये लग मुस्लिम समाज में एक गाली है, आइंदा इसको न लीजिए तो बेहतर होगा। खराब करने के लिए नहीं, माइनॉरिटीज मैंने कहा ना, डीलरों की जरूरत मुसलमानों को नहीं है, वो डीलर है उनके। देखिए जैसे मैंने कहा, कर दिया आगे देखा, अच्छा ये बताइए, जो नहीं वो हिस्सेदारी दे तो पहले भाई, पहले तो वहाँ से बात होगी। अरे पहले वहाँ से बात कीजिए। मौलाना साहब, भैया मैंने क्या कहा? मैंने मसूदों में बात नहीं होती ना। हमने ये कहा, आप जो बात कर रहे हैं, अरे भाई अगर संभावना होगी तो इस पे बात करेंगे। मौलाना साहब, सपा बसपा जो गठबंधन हुआ है, इसमें अगर सीटें अच्छी आती हैं, दोनों पार्टी लेके आते हैं, तो प्रधानमंत्री दोनों में से किसको देखना चाहेंगे आप? मैं समझूंगा कि मुस्लिम समाज के किसी प्रधानमंत्री को बनाया जाए तो उसको हम देखना चाहेंगे। तो दोनों में से कौन से है मुस्लिम? ना तो मायावती मुस्लिम है, ना ही तीसरा आएगा उसमें से।